हमने कभी नहीं सोचा था कि भारत की बेटियां इतनी बेकाबू हो जाएंगी। वे सोशल मीडिया पर गाली गलौज वाली रीलें पोस्ट कर रही हैं। देश में नए सैनिक स्कूल चलाने के ठेके आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सहयोगी संगठनों, पदाधिकारियों और नेताओं के परिवारों को दिए गए हैं। जिस शानो शौकत से देश से चुनिंदा और गिने चुने बच्चे सैनिक स्कूल से अनगिनत शहरों से निकलते थे, ऐसे बच्चे अब आरएसएस से जुड़े लोगों द्वारा संचालित सैनिक स्कूलों से निकलेंगे। देश में पहली बार ऐसा हुआ है। सैनिक स्कूल चलाने के लिए खास निजी संगठनों और लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। इसके अध्यक्ष पूर्व कांग्रेस विधायक राधा कृष्ण विखे पाटिल हैं, जो 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। इन सब बातों के बाद सवाल उठता है कि क्या सालों से चल रहे प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल की गंभीरता पर प्रश्न खड़े होंगे, जहां से भारतीय सेनाओं में बिना किसी विचारधारा के न्यूट्रल सैनिक निकलते थे, अब उनकी विचारधारा बनाई जाएगी। क्या सैनिक स्कूल की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे? ये है निधि पाठक, मध्य प्रदेश के कटनी जिले की विजय राघवगढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक संजय पाठक की पत्नी। कटनी में सेना इंटरनेशनल नाम का इनका स्कूल है, जो अब एक सैनिक स्कूल होगा। देश में नए सैनिक स्कूल चलाने के ठेके आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सहयोगी संगठनों, पदाधिकारियों और नेताओं के परिवारों को दिए गए हैं। यानी जिस शानो शौकत से गिने चुने बच्चे सैनिक स्कूल से अनगिनत शहरों से निकलते थे, ऐसे बच्चे अब आरएसएस से जुड़े लोगों द्वारा संचालित सैनिक स्कूलों से निकलेंगे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इसका गंभीर खुलासा किया है। रिपोर्ट में आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कम से कम 40 स्कूलों ने 5 मई 2022 और 27 दिसंबर 2023 के बीच सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ एमओए पर हस्ताक्षर किए हैं। द कलेक्टिव की समीक्षा से पता चलता है कि 40 स्कूलों में से 11 सीधे तौर पर भाजपा नेताओं की है या उनकी अध्यक्षता वाले ट्रस्ट, भाजपा के लोग और राजनीतिक सहयोगी चला रहे हैं। 8 का प्रबंधन सीधे तौर पर आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त 6 स्कूलों को दक्षिण पंथी कट्टर हिंदू धार्मिक संगठनों से सीधा संबंध है। ऐसा कोई भी सैनिक स्कूल ईसाई या मुस्लिम संगठनों या भारत के किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बड़ी संख्या में इन नए सैनिक स्कूलों में या तो भाजपा नेताओं की सीधी भागीदारी है या उन ट्रस्टों के वे मालिक हैं जिनके वे प्रमुख हैं। आपको बताएं कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है। देश में मोदी सरकार ने सबसे पहले 2021 में सैनिक स्कूल चलाने के लिए खास निजी संगठनों और लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। मोदी सरकार ने उसी साल अपने सालाना बजट में देश में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। देश में पहली बार ऐसा हुआ जब प्रतिष्ठित सैनिक स्कूलों को चलाने के लिए आरएसएस की प्लस विचारधारा या यूं कहे दक्षिण पंथी विचारधारा से जुड़े लोगों को मौका मिला। सैनिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब सरकार ने निजी लोगों या आरएसएस से संबद्ध संस्थाओं को आंशिक वित्तीय सहायता देने और अपनी शाखाएं चलाने की इजाजत दी है। 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कैबिनेट बैठक का संचालन किया था, जिसमें ऐसे स्कूलों को विशेष रूप से चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जो रक्षा मंत्रालय के वर्तमान सैनिक स्कूलों से अलग और अलग होगा। देश में सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आज़ादी के पहले से चल रहे हैं। आज़ादी के बाद से इनका और भी ज़्यादा विस्तार हुआ। सैनिक स्कूलों में बच्चों को स्टूडेंट लाइफ से ही देश की सेनाओं के लिए तैयार किया जाता है और बाद में तीनों सेनाओं की विभिन्न परीक्षाओं के जरिए वे सेना में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन आरएसएस सहयोगी संस्थानों, साध्वियों, नेताओं द्वारा संचालित सैनिक स्कूलों से छात्रों को विचारधारा के हिसाब से तैयार कर सेना में भेजने की तैयारी है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा पर खोजी रिपोर्ट के बाद इस खोजी रिपोर्ट के जरिए मोदी सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी सैनिक स्कूलों के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए किसी एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नेताओं द्वारा संचालित सैनिक ट्रेनिंग स्कूलों को इसके जरिए तैयार होने का कोई मौका नहीं दिया था। इसलिए यह रिपोर्ट बेचैनी पैदा कर रही है कि अब सेना में संघ की विचारधारा के हिसाब से सैनिकों, अधिकारियों को भर्ती किया जाएगा। सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित
भोसाला मिलिट्री स्कूल नागपुर को भी सैनिक स्कूल के रूप में चलाने की स्वीकृति दे दी गई है। स्कूल की स्थापना 1937 में हिंदू दक्षिणपंथी विचारक बीएस मुंजे द्वारा की गई थी। 2006 के नांदेड़ बम विस्फोट में और 2008 के मालेगांव विस्फोटों की जांच के दौरान महाराष्ट्र प्लस आतंकवाद विरोधी दस्ते ने भोनसाला मिलिट्री स्कूल की जांच की थी, जहां धमाके के आरोपियों को कथित तौर पर ट्रेन किया गया था। अब यह देश के लिए सैनिक तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश के इटावा में शंकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल मुन्ना स्मृति संस्थान द्वारा चलाया जाता है, जो एक एनजीओ है। इसकी अध्यक्ष भाजपा विधायक सरिता भदौरिया है। उनके बेटे आशीष भदौरिया जो स्कूल की व्यवस्था देखते हैं, उन्होंने कहा, हमें सैनिक स्कूल चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, हम इसे आने वाले वर्ष से शुरू करेंगे। उन्होंने दावा किया, चयन प्रक्रिया बहुत विस्तृत थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी एसोसिएशन के लिए उनके आवेदन को स्वीकृति दी गई है, तो उन्होंने कहा, आपको यह सरकार से पूछना चाहिए। यहाँ बात हो रही है 62% स्कूल संघ के नियंत्रण में चले गए हैं। सरकार ने ठेके पर सैनिक स्कूल बनाने या चलाने के नियम इस तरह बनाए हैं कि उनके जरिए आरएसएस से संबंधित लोगों को बुनियादी ढांचे की शर्तें पूरी करने का मौका दिया जा सकता था। यानी संस्था की अपनी जमीन, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बुनियादी ढांचा, वित्तीय संसाधन, कर्मचारी आदि होने पर नए सैनिक बनाने के लिए अनुमोदित किया जा सकता है। सिर्फ बुनियादी ढांचे की शर्त ने ही इसके अनुमोदन को योग्य बना दिया। इसी शर्त के आधार पर संघ परिवार से संबंधित स्कूलों और समरूप विचारधारा वाले संगठनों ने कई आवेदन कर डाले। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी जांच में बताया है कि अब तक हुए 40 सैनिक स्कूल समझौतों से कम 62% संघ और उसके सहयोगी संगठनों, भाजपा नेताओं, उसके राजनीतिक सहयोगियों और दोस्तों, हिंदुत्व से जुड़े स्कूलों के संचालन के लिए अनुमोदित किया गया। इनमें से ज़्यादातर जानकारी आरटीआई के जरिए सरकार से ही निकलवाई गई है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन में साध्वी रितंभरा संबित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल चला रही है। रितंभरा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की संस्थापक, राम मंदिर आंदोलन से एक प्रमुख हस्ती है। पिछले साल जून में इसी स्कूल कार्यक्रम के दौरान 60 साल की इस साध्वी ने छात्रों को संबोधित किया था। स्कूल के फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया। उस वीडियो में रितंभरा की नफरत को कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के प्रति देखा गया और सुना जा सकता है। जब हम कॉलेजों में देखते हैं ना बच्चों, आधी रात को लड़कियां सिगरेट के धुएं उड़ाती हुई, जहां आजकल एजुकेशन के हब हो गए हैं, शराब की बोतलें फोड़ती हुई मोटरसाइकिलों पे अपनी बॉयफ्रेंड के साथ गंदगी, गंदा वातावरण बनाती हुई, तो हम लोग का दिल बैठ जाता है। भारत की भूमि के लिए तो ऐसी कल्पना कभी की नहीं थी कि भारत की पुत्रियां इतनी निरंकुश हो जाएंगी। सोशल मीडिया पे माँ बहनों की गालियां कह के अपनी रील डाल रही हैं, नंगी होके फोटोएं खिंचा रही हैं, कच्चे बनियान में अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही हैं, तो लगता है ये मानसिक रोगी लड़कियां हैं, इनको मानसिक रोग हो गया। क्योंकि शरीर का नंगापन दिखाया नहीं जाता, उसे ढका जाता है, क्योंकि संस्कार नहीं है। वो वीडियो में बता रही है कि कॉलेजों में लड़कियां कैसे नियंत्रण से बाहर है। वो कहती है, हमें कॉलेजों में क्या मिलता है, आधी रात सिगरेट पीती लड़कियां, शिक्षा के इन केंद्रों में महिलाएं शराब की बोतलें तोड़ रही हैं और मोटरसाइकिल पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ अश्लीलता फैला रही हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि भारत की बेटियां इतनी बेकाबू हो जाएंगी। वे सोशल मीडिया पर गाली गलौज वाली रीलें पोस्ट कर रही हैं, वे न्यूड फोटोशॉप करा रही हैं, वे अंडर गारमेंट्स में अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसा लगता है कि ये महिलाएं मानसिक रूप से बीमार हैं, इन लड़कियों में संस्कार नहीं है।